नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी टकराव के दौरान आज दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दिखे। दरअसल पार्टी ने राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचने से पहले दोनों नेताओं का विवाद शांत कराने की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल पर सौंपी थी, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा पर बनी 35 बड़े नेताओं की कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हुए। बैठक के दौरान अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के साथ हंसते हुए नजर आए और बाद में मीडिया के सामने अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी हम सबके नेता हैं। जब राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों नेता एसेट हैं तो फिर एसेट हैं, फिर चर्चा किस बात की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो नंबर एक के नेता होता है उनके अनुशासन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ राहुल गांधी के कहने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने कहा कि सभी नेता भारत जोड़ो यात्रा को राज्य में एक साथ मिलकर सफल बनाएंगे। इस दौरान सचिन पायलट साथ में उनके पीछे खड़े रहे। वहीं केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि हम एकजुट हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को प्रोपेगेंडा और वल्गर बताए जाने के बाद अब प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। शुरू से ही आतंकवादी संगठन, अरबन नक्सल और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग बोलते रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार के मंच पर कश्मीर को भारत से अलग करने वाले आतंकवादियों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और इसको भारत के ही कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि अगर कोई भी फिल्म में एक फ्रेम के बारे में भी साबित कर दे कि वो सच नहीं है तो वो फिल्में बनाना छोड़ देंगे। हालांकि विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में सिनेमेटिक गुणों पर बात नहीं की, लेकिन इसमें राजनीति को लेकर जरूर बात की। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर हो रहे विवाद के बीच कहा है कि नादव लपिड ने कभी भी कश्मीरी पंडितों के पलायन से इनकार नहीं किया या ऐसे खारिज नहीं किया। शिवसेना सांसद ने कहा कि उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो इस बारे में की थी कि जिस तरह से एक फिल्म को नॉमिनेट किया गया था, द कश्मीर फाइल्स ने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के विषय के साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट किया कि उसे एक प्रचार प्रोपेगेंडा फिल्म बना दिया गया। शिवसेना सांसद ने कहा कि लविट ने इस फिल्म को लेकर जूरी के अन्य सदस्यों की भी परेशानी के बारे में बताया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी प्रमुख नदाब लपिड के द्वारा कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म बताए जाने के बाद विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कश्मीर फाइल्स के बारे में ये सच है। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। एक पार्टी और सरकार प्रचार में व्यस्त थी, लेकिन कश्मीर में सबसे ज्यादा हत्याएं इस फिल्म के बाद हुई हैं। कश्मीर के पंडित और सुरक्षाकर्मी मारे गए। लपिड की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला और इसको शर्मिंदगी बताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने लिखा पीएम मोदी, उनकी बीजेपी सरकार, दक्षिणपंथी इकोसिस्टम सबने मिलकर कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट किया। उस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने खारिज कर दिया है। ज्यूरी प्रमुख ने इसे प्रोपेगेंडा और भद्दा बताया है और इसे फिल्म फेस्टिवल के लिए अनुचित बताया। सुप्रिया ने कहा कि नफरत को आखिरकार नकारा ही जाता है। बता दें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसकी तारीफ की थी। यही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए मुफ्त टिकट भी बांटे थे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी बोर्ड के सदस्य सुदीप्तो सेन ने इसके हेड नादव लपिड के बयान से किनारा कर लिया है और इसे पूरी तरह उनका व्यक्तिगत बयान बताया। लपिड ने सोमवार को 53 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं के दौर तेज हो गए। IFFI के जूरी के सदस्य सुदीप्तो सेन ने ट्विटर पर लिखा है लपिड का द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिया गया बयान उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने ये भी लिखा कि जूरी के सदस्य के रूप में वो कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भारत में इसराइल के राजदूत ने कश्मीर फाइल्स को इसराइली फिल्म निर्माता और गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चीफ ज्यूरी नदाब लपिड के द्वारा प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म बताए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। लपिड के बयान पर भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत से माफ़ी मांगी और कहा है कि भारत की मेज़बानी और दोस्ती के बदले लपिड के इस तरह का बयान देने पर मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने लिखा है कि भारत की सभ्यता में एक मेहमान को ईश्वर की तरह माना जाता है। लपिड ने जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारत के द्वारा दिए गए निमंत्रण और उन पर जताए गए भरोसे और सम्मान का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा है
आप ये सोचकर इसराइल वापस जाएंगे कि आपने एक बोल्ड बयान दिया है, लेकिन हम इसराइल के प्रतिनिधि के तौर पर यहीं रहेंगे। उन्होंने लिखा है कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरी दोस्ती है और आपके द्वारा दिए गए बयान से इसे कोई नुकसान नहीं होगा। असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और केंद्र और असम सरकारों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 2 हफ्ते में जांच करने और सिस्टम विकसित करने को कहा है। इस बीच मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सख्ती दिखाते हुए कहा है, मेघालय अब असम सीमा पर अपनी और चौकियां स्थापित करेगा ताकि असम की ओर से कोई हरकत नहीं होने पाए। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गोलीबारी में हुई मौतों को लेकर मामला दर्ज कराया था और इसे मानवाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करार दिया था। हालांकि असम में बीजेपी सरकार है और मेघालय में बीजेपी के अनुकूल सरकार है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच तनाव चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री संगमा और उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसोंग ने दिल्ली में NHRC के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और इसके अन्य सदस्यों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे थम गया है। पहले चरण के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित कई नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने 1 दिन चुनाव प्रचार किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और इस दिन 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के ही चेहरे को हर जगह होने के कारण उन पर रावण नाम लेकर हमला किया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक चुनावी जनसभा में कहा, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, कॉरपोरेशन के चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, विधानसभा चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, सांसद के चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण की तरह 100 मुंह हैं। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है, ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है और गुजरात के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं। समित पात्रा ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के द्वारा दिए गए औकात वाले बयान और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के द्वारा हिटलर की मौत मरेगा मोदी वाले बयान का भी जिक्र किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा है कि इस्लाम पूरी तरह कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का मतलब शांति और कल्याण है। NSA डोभाल नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद और ISIS के द्वारा प्रेरित आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूद MD भी दिल्ली आए हैं। उन्हें NSA डोभाल ने ही कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। डोभाल ने कहा कि किसी भी मकसद के लिए अगर आतंकवाद, कट्टरवाद और धर्म का दुरुपयोग किया जाता है तो ये किसी भी आधार पर ठीक नहीं है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आतंकवाद और कट्टरवाद फैलाने वाली ताकतों का विरोध करने को किसी भी धर्म के साथ टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम सभी को अपने धर्मों के वास्तविक संदेशों पर फोकस करना चाहिए जो हमें मानवता और शांति का पाठ पढ़ाते हैं, और वास्तव में कुरान खुद कहती है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी मानवता को मारने के जैसा है और एक इंसान को बचाना पूरी मानवता को बचाने जैसा है। डोभाल ने आगे कहा, इस्लाम कहता है कि इतिहास का सबसे बेहतर रूप जिहाद अफजल है, यानी इंद्रियों या अहंकार के खिलाफ जिहाद, ना कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ। कार्यक्रम में इंडोनेशिया से आए उलेमा भारतीय उलेमाओं से तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारत और इंडोनेशिया में कट्टरता का मुकाबला करने पर चर्चा होगी। इस दौरान इंडोनेशिया के उलेमा दूसरे धर्मों के गुरुओं से भी मिलेंगे। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी MCD की सत्ता में आई तो दिल्ली के अंदर जितने भी RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं उन्हें मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि ऐसा होने से लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरडब्ल्यूओ को अपना दफ्तर चलाने के लिए और लोगों के छोटे मोटे काम कराने के लिए फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जनता आरडब्ल्यूए के जरिए अपने सारे काम करा सकेगी। बता दें एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। आरबीआई ने घोषणा की है कि वो डिजिटल रुपए का पहला पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर से शुरू करेगा। ये फिलहाल कुछ खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चलाया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर रहेगा। ये डिजिटल रुपया समय जारी पेपर करेंसी और सिक्कों के मूल्य के अनुसार ही जारी होगा। ये डिजिटल करेंसी बैंकों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगी। लोग बैंकों के डिजिटल वॉलेट से इनका लेन देन कर सकेंगे। इन पर कैश की तरह ही भरोसा किया जा सकेगा और कैश की तरह इन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। पायलट प्रोजेक्ट अभी कुछ शहरों में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में इसमें 4 बैंक शामिल होंगे, SBI, ICICI, यस बैंक और IDFC बैंक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 10 जजों के नामों की सिफारिशों से जुड़ी फाइलों को लौटा दिया है। इन 10 जजों के नामों में सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल का भी नाम शामिल है। सौरभ कृपाल भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BN कृपाल के बेटे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इन 10 नामों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इनसे जुड़ी फाइलों को 25 नवंबर को ही वापस भेज दिया था। बताना होगा कि कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बीते कुछ दिनों में एक बार फिर विवाद शुरू हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम भारतीय संविधान के लिए एलियन की तरह है। उन्होंने कहा था कि अदालत ने खुद ही फैसला करके कॉलेजियम सिस्टम बना लिया, जबकि 1991 से पहले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती थी। वहीं अदालत ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जजों की नियुक्ति में जानबूझकर देरी नहीं करे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस AS ओका की बेंच ने ये टिप्पणियां की थी। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के मामले में मंगलवार को छतरपुर इलाके में आयोजित एक महापंचायत में बवाल हो गया। इस महापंचायत का आयोजन श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के नाम पर किया गया था, लेकिन जहां महापंचायत चल रही थी उसी वक्त एक महिला मंच पर आई और अपनी बात कहने के दौरान ही उसने मंच पर मौजूद एक शख्स पर जमकर चप्पल चला दी। इससे मंच पर मौजूद लोग सकते में आ गए और उन्होंने महिला को रोकने की कोशिश की। इस महापंचायत का आयोजन दिल्ली एकता मंच की ओर से किया गया था। महिला जब मंच पर पहुंची तो उसने कहा कि उसे थाने में धक्के खाते हुए 5 दिन हो गए हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद उसने उसके बगल में खड़े शख्स को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक महिला इस बात से नाराज थी कि इस शख्स को इस कार्यक्रम में मंच पर क्यों बुलाया गया। इस महिला की बेटी इस शख्स के बेटे के साथ कुछ दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी और अब उन्होंने शादी कर ली है। इंडिया टुडे से बातचीत में महिला ने कहा कि जब भी उन्होंने उनकी बेटी जिस लड़के के साथ घर छोड़कर गई है उस लड़के की माँ से पूछा कि वो उन्हें उनकी बेटी से मिलवा दें तो उसने उन्हें धमकाया। महिला ने कहा कि उन्हें इस बात का नहीं पता कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है या नहीं। उन्होंने पुलिस में इस मामले में शिकायत भी की है। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने आज रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित एक समारोह में नए सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल सैयद आसिम मुनीर को कमान सौंपी। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना अंतिम संबोधन दिया। इसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और जवानों के बलिदान की सराहना की। बता दें जनरल मुनीर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते ही जनरल बाजवा की जगह नियुक्त करने के लिए चुना था। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार जनरल मुनीर पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने वाले 17वें सेना प्रमुख होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शंघाई में प्रदर्शन कवर करने के दौरान BBC पत्रकार की पिटाई पर चीन की आलोचना की और उसे ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए एक चुनौती बताया। विदेश नीति पर अपने पहले प्रमुख भाषण में सुनक ने कहा, ब्रिटेन चीन संबंधों का तथाकथित सुनहरा युग खत्म हो चुका है। PM सुनक ने कहा कि ब्रिटेन को चीन को लेकर अपने रुख को बदलने की जरूरत है। सुनक ने कहा कि आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण के मुद्दों जैसे वैश्विक मामलों में चीन की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी अन्य देश भी इसे समझते हैं, इसलिए साथ मिलकर हम कूटनीति और बातचीत से इस तेजी से बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का सामना कर सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।